नमस्कार दोस्तों, ये क्लास हमारी रीजनिंग की क्लास होगी। इस क्लास के अंदर हम सीरीज करेंगे, सीरीज का पार्ट थर्ड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूथ ग्रोथ चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। ऐसी ही वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और शेयर करना नहीं भूलें। इस सीरीज के अंदर हम अल्फाबेटिक सीरीज करेंगे। सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ए कौन से नंबर पर आता है, जेड कौन से पर आता है और जो बीच में अक्षर होते हैं वो कौन कौन से नंबर पर आते हैं। इसी बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तब तो सबसे पहले मैं आपको कुछ याद करने की ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रख लीजिए इजोटी को, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। ठीक है, इजोटी को बोलते हैं हम। ई 5 नंबर पे आता है और जे आता है 10 पे और ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे और 25 पे आता है वाई। आप ये ध्यान रख लीजिए इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे ना। तो एक्स वाई जेड को आपको बताइए, वाई हमारा हो गया 25 पे और जेड हो गया 26 पे, ठीक है, और एक्स हो गया 24 पे। ये तीनों भी आप नहीं भूलोगे और ये ए बी सी डी भी तो आप नहीं भूलोगे ना, ए बी सी डी 1, 2, 3, 4। अब आपको कितने लेटर याद हो गए, टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो हमें 4 ये याद हो गए और 3 7 और 7 5 कितने हो गए, 12। 12 आपको याद हो गए। अब आपको कितने याद करने हैं, सिर्फ 14 याद करने हैं। वो भी मैं उसको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ए बी सी डी, ई हो गया, एफ आता है, एफ। एफ को कैसे याद करोगे आप, एफ को आप ऐसे कर लो, फिक्स फिक्स है 6 के लिए, यानी यहां पर 6 आएगा। एफ को कैसे याद करोगे आप, एफ फिक्स है 6 के लिए। ठीक है, अब ये भी नहीं भूलोगे। और उसके बाद में हम बात करते हैं एफ जी, जी 7, यानी ये जी है, जी के अंदर क्या है, 7 है, जी 7। और जी 7 एक सम्मेलन भी होता है, आपको पता है तो। ठीक है, जी 7 ये भी आप नहीं भूलोगे। और उसके बाद में बात करते हैं एच, एच कैसे होता है, एच ऐसे होता है ना, एच तो हम इसको 8 बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, डिजिटल घड़ी कैसी होती है, ऐसी होती है, तो उसके ऊपर कुछ नहीं करना, ऐसे करना है, ये बन जाता है 8। ठीक है, एच 8। और एच के बाद में आता है आई, आई आई को हम कैसे लिखते हैं, आई ऐसे लिखते हैं ना, आई ये 9 की तरह दिखता है, यानी आई 9, आई 9 हम ऐसे ही बोल सकते हैं, आई नो मैं आपको जानता हूं। ठीक है, जे हो ही गया हमारा, जे 10 पे और के होता है 11 पे, यानी हम बहुत बार पूछते हैं ना ये नंबर, वो कई बार पूछते हैं ना इंग्लिश का 11वां अक्षर क्या होता है, के, ऐसे। तो ये भी आपको याद होगा, हो गया होगा। ठीक है, अब आप ये नहीं भूलोगे। और उसके बाद में आता है एल, एल को एक बार आप छोड़ दो, चलो कर लेते हैं। एल को आप ऐसे याद कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण, यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी का कमरा नंबर 12, यानी लक्ष्मी 12 नंबर पे आती है, आप इसको ऐसे ध्यान रख लीजिए। ठीक है, और एम, एम से आप ऐसे याद रख लीजिए, मेरा नाम मंजीत है, जैसे मंजीत जी 13 नंबर पे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं रखो तो आप ऐसे याद रख लो, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा जो मेरा है वो 13 है। ठीक है, चलो एल और एन पर एम इकट्ठा ट्रिक बना लेते हैं, उसको छोड़ दो, लक्ष्मी 12 वाला को। ठीक है, एल और एन को आप ऐसे याद कर सकते हो 12 14, लक्ष्मी नारायण का घर नंबर 12 14 है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, ओ हो गया हमारा, ओ के बाद में आता है पी, पी पीकर सोजा,
और पीने में 16 रुपये खर्च होते हैं। और उसके बाद में क्या हुँ को हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, और ये तो आपको ध्यान होगा RST, पुरानी गाड़ियों के नंबर नहीं होते थे क्या, RST उसको हम बोल सकते हैं 18, 19, 20। अगर आप इसको ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसको याद ही कर लीजिए, R 18 S 19 T 20। टी तो याद हो ही चुका है, यानी RS याद करना है, RS यानी RS आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, RS रुपए नहीं होते क्या, रुपए 18, 19 रुपए। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और UVW तीन बज जाते हैं, UVW 21, 22 और 23। W 23 यानी W की साइज में ये W ऐसे होता है और यहाँ पर तिया ऐसा होता है, आप इसको ऐसे घुमा दीजिए इसको तिया बन जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और V 2 जैसे ये दो डंडे है ना, यानी इसको हम दो रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, दो रेखा है तो दो रेखा को हम दो बार लिखेंगे, दो दो। ठीक है, और U 21 आप इसको याद रख लीजिए, बाकी आपको याद हो ही गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25 फिक्स 6, और G 7 और H 8 हो गया, और I 9 हो गया, और J 10 हो गया, ये तो हो गया, K 11 आपको पता ही है, यानी अंग्रेजी में 11वां अक्षर क्या होता है। ठीक है, और के बाद में आ जाता है हमारा M 13 मेरा। ठीक है, और लक्ष्मी नारायण 12, 14 और P 16 यानी पीकर पीने में यानी 16 रुपये खर्च होते हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 और RST 18, 19, 20 RS 18, 19 T 20, आप इसको T 20 ऐसे याद रखते हैं, T 20 मैच। ठीक है, और UVW आप इसको याद रख लीजिए, W को उल्टा कर दीजिए 23, और V के दो रेखा है तो दो बार दो दो लिख दीजिए। ठीक है, और U 21 याद कर लीजिए। और अब इसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक आपको याद और रखनी पड़ेगी, काम देगी ये कोडिंग डिकोडिंग में भी देगी और सीरीज में भी काम देगी, जो मैं अभी करवाया है वो भी और जो अभी करा रहा हूँ वो भी। यानी A का उल्टा क्या होता है, B C D E F G H I J K L और M। ठीक है, अब आपको बताता हूं, A का उल्टा होता है Z, अजगर। ठीक है, अजगर। B को बॉय, ठीक है, BY बॉय। सी का उल्टा क्या होता है, एक्स, यानी इसको बोल सकते हैं हम क्रैक्स, क्या बोल सकते हैं, क्रैक्स। DW यानी दूध वाला, ठीक है, दूध वाला। और ई का उल्टा होता है वी, एवरी। इसका उल्टा होता है एफ का यू, यानी आप इसको बोल सकते हैं फ्यू या यूजफुल भी बोल सकते हैं, यूजफुल उल्टा करोगे तो आप, ठीक है, यूजफुल, दोनों में से कोई एक याद रख लेना। ठीक है, और जी का उल्टा होता है टी, GT रोड। ठीक है, और एच का उल्टा होता है एस, एस आता है 19 पे। ठीक है, एच आता है 8 पे, मैंने आपको बताया था G 7 फिक्स 6 है ये इजोटी 5 पे। ठीक है, और आई का आता है 9, I 9। ठीक है, आई का उल्टा हो जाएगा R, मैंने इसका नहीं बताया ना आपको, इसको बोल सकते हैं हायर सेकेंडरी, HS हायर सेकेंडरी। ठीक है, और IR का हो सकता है इंडियन रेलवे, क्या हो सकता है, इंडियन रेलवे। और J का उल्टा होता है क्या, इसको बोल सकते हैं हम जयपुर क्वीन, जयपुर की क्वीन। ठीक है, K का हो सकता है काला पानी। ठीक है, और L का हो सकता है लव, ठीक है, LOVE। ठीक, और MN हो सकता है मन, या आप इसको ऐसे याद नहीं रखो तो मेरा नाम याद रख लेना। ठीक है, मनजीत।
एम कितने पे आता है 13 पे और एन कितने पर आता है 14 पे। ठीक, एक बार फिर कर लेते हैं। अजगर, बोए, क्रैक्स, दूध वाला, एवरी, फ्यू, जीटी रोड, हायर सेकेंडरी, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव, मन। ठीक है, आपको याद हो गया। अब हम इसके सीरीज की जो कतार है वो कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये आपने ये क्यों कराया, इसका भी आपको समझ में आया क्यों कराया है मैंने। आप उसके उदाहरण तो करिए एक बार। जैसे हम पहली सीरीज लेते हैं डी, जी, जे, एम, पी, एस। नेक्स्ट क्या आएगा, सीरीज ऐसे आती है, दो नंबर की सीरीज मुझे लगता है, दो नंबर की तो पूछे पूछेगा। ठीक है, चार नंबर की पूछ सकता है, दो नंबर की पूछ सकता है, दो किस में से पूछ सकता है, दो की जो हमने लास्ट क्लास लगाई थी उसमें से पूछ सकता है। डी कितने पे आता है 4 पे। ठीक है, जी 7 पे, जे कितने पर आता है मैंने आपको बताया था इजोटी 10 पे। ठीक है, एम कितने पर आता है मन, एन 14 पे, एम 13 पे। ठीक है, और पी कितने पर आता है, मैंने पी की क्या ट्रिक बताई थी आपको, पी कर 16 रुपए खर्च करने होते हैं वो बताई थी ना, पी 16 पे। और एस कितने पे बताई थी, एस की क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको, आर एस नहीं बताया गया, आर एस 18-19। ठीक है, आप कोई टाइम बताने में मदद करेगा दोस्तों, लेकिन केवीएस में कोई टाइम बहुत है, टाइम की तरफ तो मत देखना। ठीक है, फिर भी आपको ये याद होना चाहिए, अगर याद नहीं करते तो आपको लिखना होगा कहीं पर, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आप देखिए 4, 7, 10, 13, 16, 19 यानी तीन तीन की बढ़ोतरी हो रही है, तो इसमें तीन जोड़ दीजिए, 19 और 3, 21। 21 पे कौन सा वर्ड आता है, सॉरी कौन सा करैक्टर आता है, यू पे आता है 21। ठीक है, मैंने आपको यू 21 याद रखने के लिए बोला था, वी की ट्रिक क्या बताई थी 2-2, और डब्लू क्या बताई थी 23। ठीक है, आप ये ध्यान होगा, ये इसलिए काम आते दोस्तों, अगर आपको याद होते या ट्रिक याद होती तो डायरेक्ट हम ये लिख देते, वरना आप हर बार देखो ए बी सी डी फिर ए बी सी डी जी इस प्रकार चलोगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने बताया था। और एक उदाहरण और कर लेते हैं, डी एफ जी जे के एम एन क्यू आर टी। अब इसमें देखिए डी कितने पर आता है 4 पे, एफ कितने पे आता है 6 पे फिक्स। ठीक है, जी 7, जे इजोटी 10, के कितने पे आता है 11 पे, एम 13 पे, मन जीत। ठीक है, मन 13 पे आता है, और एन 14 पे आता है, और क्या कितने पर आता है, क्या की क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, और आर की क्या बताई थी मैंने आपको ट्रिक, आर कितने पर आता है, आर आता है 16 पे, और टी कितने पे आता है 20 पे, जो टी। ठीक है, तो अब हम इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है, अब कुछ आपको ट्रिक पता चली क्या, इस नंबर को देखिए कोई कोई आपको ट्रिक मिलेगी इसके अंदर, यानी कोई कोई सीरीज के अंदर टुकबंदी होती है जैसे, उसे उसी प्रकार इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। सॉरी ये आर एस नंबर 18-19 होता है, इसलिए 18 आएगा, माफी चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, कितना जोड़ा 3, कितना जोड़ा 4, और इसमें कितना जोड़ा 3, कितना जोड़ा 4, कितना जोड़ेंगे 3। ठीक है, और 18 में 3 जोड़े तो 21 नंबर पे क्या आएगा, वही आएगा U। और इसमें देखते हैं तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 4
24 पे कौन आता है? मैंने आपको लास्ट में बताया 24 25 26 एक्स यू एक्स आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार इनका तुक बनाना होता है, किसी प्रकार हमारा तुक बन जाए, यानी जो हम सीरीज बोल सकते हैं इसको, ये सीरीज कंप्लीट हो जाए वो हमें समझना होता है। कई बार चलो मैं एक उदाहरण और ले लेता हूँ, सी एफ एल ई आई के जी एल जे, ऐसे हमें इनकी ट्रिक बनानी होती है। जैसे सी 3 पे एफ 6 पे और एल आता है 12 पे, मैं ट्रिक बताई थी वो देख लीजिए। ई आता है 5 पे, 9 पे ई आता है आई, और के आता है 11 पे, जी आता है 7 पे और एल आता है एल 12 पे, जे आता है 10 पे, ठीक है। अब इसमें से ट्रिक देखिए, मतलब यानी तुकबंदी देखिए कैसी तुकबंदी बनती है इनकी, कोई तुकबंदी तो आपको मिले ही मिलेगी, ठीक है। -1 -1 बनी एक तुकबंदी, और दूसरी तुकबंदी देखते हैं हम, दूसरी तुकबंदी में मिलती है +2 +2, ठीक है। और थर्ड वाली तुकबंदी और देख लेते हैं, इसमें क्या तुकबंदी मिलती है, 6 और 3 9 9 और 3 12, ये 3 3 की मिल गई, ठीक है। ये 3 की हो गई और ये फिर 3 की हो गई, आपको समझ में आ गई। अब आपको इसके अंदर तो -1 करना है नेक्स्ट के अंदर, और इसके अंदर आपको +3 करने हैं, और इसके अंदर आपको +2, ठीक है। वो नेक्स्ट नंबर बना लीजिएगा आप, जैसे कई बार ऐसे भी बन जाती है, वी टी क्यू एम एच, नेक्स्ट का नंबर बनाना ही क्या आएगा, ठीक है। वी कितने पे आता है, वी 22 पे आता है। टी कितने पे आता है, इजो टी 20 पे। क्या कितने पे आता है, क्वेश्चन नंबर 17। एम कितने पर आता है, यानी मनजीत, कितने नंबर पर है, 13, यानी मन 13 मेरा, ठीक है। और एच 8 पे आ जाएगा, यानी अब इसमें कुछ तुकबंदी देखिए, यानी अंतर देख लीजिए पहले, किसमें कितना अंतर आ रहा है। इसके अंदर 8 और 5 का, और इसके अंदर कितना आया, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22, 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा, -6 -6, यानी एच 8 में से 6 2 2 कितने पर आता है, बी आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऐसे आता है, ठीक है। अब मेरे को कितना टाइम लगा इसके अंदर, 25 से लगभग 25 सेकंड लगी होगी, अगर हम वो फड़ाने लगते ना वी कितने पर आए, 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर 2 मिनट या 3 मिनट लग जाती दोस्तों, ठीक है। इसलिए बताता हूँ मैं कि याद नहीं रहती हमें, तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक से आपको जल्दी याद होगी। और कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ सकती है, जो अभी करा रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, ए ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई, ठीक है। और एफ ए बी सी, यहाँ पर नंबर बताना है, इतनी बड़ी आ जाती है। अब इसको कैसे देखेंगे हम, ठीक है। अब आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा, तो नंबर बना लेते हैं, 1 1 2 3, सॉरी 3 नहीं, ये 1 ही है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ठीक है। अब आप गिनती देखिए, 1 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 नंबर पर कौन आता है, डी आता है, आंसर आ गया। इतना जल्दी आंसर आ जाता है दोस्त, देखिए, ठीक है। और एक उदाहरण और ले लेते हैं, यू वी, चलो ये नहीं लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, जे ई एल एच ओ एल एस क्या हु? इसके अंदर क्या बनेगा, जे कितने पे आता है, इजो टी ई इजो टी एल एल कितने पे आता है, 12 पे, यानी लव लव तो उल्टा हो गया, ये एल 12 पे आता है। एल की क्या ट्रिक बताई थी मैंने,
लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12 और 14 LN14H8 ओ पर कितना आया बताया था मैंने आपको, इजोटी EJOO कितने पे आएगा 15 पे, और एल कितने बताया था एल लक्ष्मी नारायण 12 पे, और ये क्या तो लिखा मैंने एस क्या ठीक है, एस कितने पर आता है PQR S R S कितने बताया था 19 पे, और क्यू कितने बताया था क्यू क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है। अब इसमें ट्रिक देखिए क्या बन सकती है हमारी, +2 +3 +4 ठीक है, यहां पर +5 हो जाएगा, और यहां पर देखें तो 5 और 3 8 8 4 12 12 5 17 17 8 4 5 6 17 और 6 23 ठीक है, आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है आज के लिए दोस्तों इतना ही, और यानी सीरीज इसी प्रकार कुछ ना कुछ तो बंदी चलती रहेगी, आप ये देखते रहना, और पसंद आई दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, और हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आपको कुछ ना कुछ ट्रिक भी मिलती रहेगी, लेकिन अभी काम चल रहा है, और जब भी हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा वो अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें हम GK और कंप्यूटर साइंस, जनरल स्टडीज, लाइब्रेरी साइंस यानी इंग्लिश और हिंदी से संबंधित ट्रिक भी हम डालते रहेंगे। वेबसाइट का नाम मैं बता देता हूँ www.youthgrowth.in ठीक है, youthgrowth.in पर जाना है आपको, और आपको यहाँ पर पॉपअप भी हो गया होगा, देख लेना। धन्यवाद।